ये वीडियो मेरी दोनों माँ देखेगी तो बहुत गुस्सा करेगी, मम्मी लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। कर दिया है। मम्मा बाहर कैसे निकलेगी अब? आपको नहीं देखा। सर जो तेरा चकराए या कुछ भी समझ नहीं आए, तो आजा प्यारे पास हमारे, कुछ नया तो बनाए, नया हम बनाए। तो चले फिर, इतना खतरनाक गाने के बाद हम करते हैं अपने व्लॉग का स्टार्ट। तो क्या हुआ ना, सच में आज मेरा मूड बहुत 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 खराब है। किस चीज के लिए खराब है, क्यों खराब है, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी एक्चुअली, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैंने अपने मूड को अपलिफ्ट किया है, मैं थोड़ा सा उठाया है कि नहीं भाई कुछ करते हैं जैसे थोड़ा मूड ठीक हो जाए। तो जनरली मेरा मूड जब एकदम ऐसे खराब होता है ना, जब कुछ भी समझ नहीं आता है, सर दुखने लगता है, मैं तीन चीज करती हूँ, या तो सो जाती हूँ, या तो कुछ ऑनलाइन खाने का ऑर्डर कर सकती हूँ, और तीसरा चीज क्या कुछ अच्छा बना लेती हूँ और उसको खा लेती हूँ। क्योंकि खाने से क्या होता है ना, मेरे को थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती है, सोचने की ताकत मिलती है मेरे दिमाग को। मतलब मेरे साथ ऐसा है, तो पहले ऑप्शन कर नहीं सकते, सो नहीं सकते, फिर वंशु को लेने के लिए कैसे जाएंगे स्कूल से, दूसरा भी ऑप्ट नहीं कर सकते और ऑप्शन ऑनलाइन ऑर्डर भी नहीं कर सकते, पति देव गए हुए हैं बाहर काम से तो उनको भी डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते, तो बचता है तीसरा ही ऑप्शन कि खुद से ही कुछ बनाते हैं। तो फिर ऐसा नहीं कि मेरे घर में मैंने खाना नहीं बनाया है, दाल चावल सब कुछ बना लिया है, लेकिन तो भी कुछ अलग चुल मची हुई है, क्या है पता नहीं, मेरा दिमाग का खुरा पांच पेज पता नहीं क्या है वो है। तो मतलब इसके कारण मैं आज बनाने वाली हूँ, जो कभी ट्राई नहीं किया है मैंने, आज तक कभी भी नहीं बनाया मैंने रेड सॉस पास्ता। हाँ, रेड सॉस पास्ता। तो मैंने इसकी पूरी जानकारी गूगल भाई साहब से उठा ली है कि कैसे कैसे बनेगा, क्या क्या बनेगा, मतलब क्या क्या करना पड़ता है उसमें बेसिकली। तो मैंने सब कुछ करके रख लिया है, दाल चावल भी बन गया है और वो मैंने पास्ता भी, मैक्रोनी भी उबाल के रख ली है, सब कुछ काट कुट किट किट करके भी रख लिया है। अब जा रही हूँ बनाने के लिए, पहले बना लेते हैं, साथ में बनाते हैं, साथ में खाते हैं, और उसके बाद चर्चा करना है बहुत बड़े विषय में आपके साथ, जो कि सच में मेरे लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और उसके वजह से ही अभी 10-15 दिन से इतनी ज़्यादा उथल पुथल चल रही है माइंड में कि मैं ऑलमोस्ट पागल हो रखी हूँ। फिलहाल मैं आपको पागल नहीं करती हूँ, चलते हैं बनाने के लिए, क्योंकि ना अब क्या है कि मेरे को भूख लगने लगा है, दिमाग इधर भूख लग रहा है मेरे को, आपको पेट में लगता है मेरे को इधर भूख लगने लगा है, तो वहीं पे भाग रहा है दिमाग। तो पहले कुछ बना लेते हैं, उसके बाद हम गप्पी आते हैं आपसे। तो ये है हमारे पास्ता जो कि हमने उबाल करके रख लिया था, और उसमें लिखा था कि पास्ता का वो भी रखना है, थोड़ा सा स्टॉक, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, स्टॉक बोलते हैं शायद, पास्ता वाला पानी जो उबला हुआ पानी था ना वो रख दिया था। टमाटर भी बॉईल करके रख लिया है, उसको छील करके अब पीसना बाकी है। लहसुन, कैप्सिकम, गाजर, प्याज और मिर्ची भी काट के रख ली है। और यहाँ पे है ओरिगैनो और यहाँ पे है पिज्जा मिक्स हर्ब जो कि इसमें लगने वाला है, और इसके साथ ही है यहाँ पे ये टमाटो सॉस, काली मिर्च का पाउडर भी लगेगा, वो मिला करके अभी यहाँ पे रख दूंगी। तो चलो फटाक से बनाते हैं इसको। मैंने लिया है नॉन स्टिक पैन, क्योंकि नॉन स्टिक पैन में कम तेल में अच्छे से बन जाता है, इसलिए एक्चुअली मैं नॉन स्टिक पैन यूज कर रही हूँ। तो इसमें मैंने डाल दिया है, ज्यादा तेल नहीं डाला है, थोड़ा सा तेल डाला है, क्योंकि इतने तेल में मुझे लग रहा है बन जाएगा, तो तेल गर्म हो जाता है, उसके बाद डालेंगे सब कुछ। और आटा टमाटर भी पीस के रख लिया है मैंने। तो हमारा भैया तेल गर्म हो गया है, इसमें हम डाल दे रहे हैं लहसुन। आजकल हम बहुत लहसुन खा रहे हैं, मम्मी नहीं है तो लहसुन में ही डूबे रह रहे हैं आजकल हम। मम्मी आती है तो ऐसे लहसुन ज्यादा मैं यूज नहीं करते है ना, क्योंकि मम्मी को लहसुन से एलर्जी है, ऐसा नहीं कि मम्मी को पसंद नहीं था, लेकिन उसको उनसे एलर्जी, उससे एलर्जी हो गया है मम्मी को, तब तक थोड़ा सा लहसुन कम हो गया है मम्मी का खाना। तब जब लहसुन अच्छे से नहीं, हल्का सा ये हो जाएगा ना कि स्मेल इसका मर जाएगा, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपना प्याज। कितना अच्छा रंग बिरंगा दिख रहा है ना, क्या कम डालने के लिए। तो हमारा ये सब ऑलमोस्ट पक चुका है, हम इसमें डाल देंगे अपना टमाटर पिसा हुआ है। टमाटर को आपको हल्का सा भूनना पड़ेगा जब तक कि इसमें हल्का ऊपर ऊपर तेल ना आ जाता है। तो हमारे टमाटर भाई साहब अभी भून रहे हैं, थोड़ा सा तेल निकल जाए तब तक उसको भूनना है, गूगल बाबा में ये लिखा हुआ था। तो पता है आपको, जब मैं मॉरिशस गई थी ना, तो वहां पे हमने जब हम होटल में गए थे, मतलब जब घूमने गए थे, तो फिर हम लोग एक दोपहर में होटल गए थे खाना खाने के लिए,
तो वहां पे ना बहुत 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 सारी डिजीज थी वहां पे, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि नाम इतना, सबका नाम स्पेनिश में लिख रहा तो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा पास्ता ऑर्डर करते हैं, मे भी पास्ता नाम सुना हुआ लग रहा है, हम लोग इंडिया में भी आजकल ये मैक्रोनी पास्ता ये सब खाते रहते हैं। तो हमने पास्ता ऑर्डर किया कि हमने बोला कि जो आपके पास बेस्ट पास्ता होगा ना वो आप लेकर के आ जाओ, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, हम मतलब हम लोग सामने से देख रहे थे, एकदम फ्रंट में उनका किचन था, सामने में जहां हम लोग बैठे थे उसके फ्रंट में किचन था। और ये पूरी मॉरिशस की ही बात है, आज से करीब साढ़े चार साल पहले की बात है। तो ना हमारे सामने ही उन्होंने आटा लिया, मतलब डो बना हुआ था तो वो उठाया और वो मशीन में डाला, हमारे सामने ही उन्होंने वो पास्ता का लंबा 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 निकाला, और निकालने के बाद उसको बॉईल किया, बॉईल करने के बाद पता नहीं कौन कौन सा सॉस वॉस मिला करके और उन्होंने सर्व कर दिया। कसम से एक तो महंगा बहुत था वो, कोई नहीं अब बाहर गए तो महंगा सस्ता क्या देखते चले, लेकिन उसको खाने में हमारी आत्मा निकल गई थी, एकदम आत्मा, क्योंकि कोई टेस्ट नहीं था उसमें, कुछ भी टेस्ट नहीं आ रहा था, इतना ब्लैंक था वो कि मैं बता नहीं सकती। और वो आकर के पूछ रहा है, मैम आपको पसंद आया, मतलब वो अपना इंग्लिश स्पेनिश पता नहीं फ्रेंच था, पता नहीं कौन सा लैंग्वेज था, ऊपर मिक्स करके बोल रहा था, मैम यू लाइक दैट। अब उसको क्या बताया कि मेरी आत्मा रो रही है इसको खाते खाते। कसम से उस दिन हम और ये इतना मुश्किल से वो पास्ता खत्म किए थे ना, वो हम ही लोगों को पता है। ऊपर से ना वो और समोसा लेकर के आया, एक समोसा, मैम हमारे पास समोसा भी है जो कि बहुत टेस्टी है। हम बोले दे दो भाई कौन सा समोसा है, ये छोटे समोसा दिया और वो समोसा के अंदर भी पास्ता का ही कुछ स्टफिंग था। हम बोले ऐसा भी होता है, सोचो तो टमाटर भून चुका है, इसमें मसाला वसाला डालने के चलते हैं चलो। तो हमारा ये टमाटर का देखो तेल अच्छे से निकल गया है, तो हम इसमें सारा सामान डाल देते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला डाला है इसमें, थोड़ा सा डाल रही हूँ मैगी मसाला, ये मैं खुद से डाल रही हूँ, ये गूगल बाबा ने नहीं बताया था, बट मुझे लगा डाल देना चाहिए इसको। पहली बार ऐसा कुछ खाने वाली हूँ मैं, पहली बार नहीं एक्चुअली मॉरिशस के बाद दूसरी बार ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट वाला पास्ता खाने वाली हूँ मैं। पहली बार में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक बाइट और देना पड़ेगा। थोड़ा नमक ज्यादा हो गया मुझसे, बस का टेस्ट बहुत रिफ्रेशिंग आ रहा है, ऐसा टेस्ट मैंने कभी भी नहीं खाया है। इसका टेस्ट थोड़ा अलग है, अच्छा लग रहा है, बॉडी को अच्छा लग रहा है कि कुछ अच्छा जा रहा है, मतलब कुछ टेस्टी चीज जा रहा है ऐसा फील हो रहा है मुझे। हल्का सा स्पाइसी है, मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला था, आपको मैं दिखाना भूल गई थी, लाल मिर्च पाउडर हल्का डाला था। मिक्स सर्व का टेस्ट आ रहा है, टोमेटो केचप का टेस्ट आ रहा है, सब टेस्ट मिक्स होकर के आ रहा है और सच में अच्छा लग रहा है। मम्मा को लॉक कर दिया है। हाँ। मम्मा बाहर कैसे निकलेगी अब? आपको नहीं देखा। अरे ना। तो तुम तो लॉक यहाँ के लिए किया था ना, अपने रूम से तो अच्छा हम रूम से बाहर नहीं निकल सकते, रूम के अंदर ही रहना है मेरे को। हाँ। मम्मा ने ऐसी क्या गलती की है जो तुम जेल में डाल रही है मम्मा को? Oh
बोलो मम्मा ने क्या गलती की? तुमको अभी चॉकलेट किसने खिलाया जुट्टू? इतनी भयंकर नींद आ रही है मुझे, मतलब वंशु को सुलाते सुलाते ना मैं खुद भी सो गई थी और पता नहीं कि तुरंत नींद भी टूट गया। ऐसे 5 मिनट लिए नींद लगा और फटाक कर टूट गया, तो ऐसा लग रहा कि अब मैं सोते ही रहूं, बट वो पॉसिबल नहीं है। तो वंशु आज थोड़ी क्रैंकी हो रखी थी इसलिए मैंने उसके बाद कुछ भी शूट ही नहीं किया व्लॉग। पता नहीं उसको आज हो क्या गया था स्कूल से आने के बाद। मेरा गला भी बहुत, जब भी मैं ऐसे शाम के समय हल्का सा भी सोती हूँ तो गला बहुत भारी लगने लगता है। अभी वो सोने के पहले बोल के सही, मम्मी मेरे को खीर खाना है, थोड़ा सा खीर बना देना मेरे लिए। तो मैं वही सोच रही हूँ, एकदम मन नहीं कर रहा है बनाने का, बट सोच रहा है खीर बना दे, लेकिन बहुत क्विक खीर बनाने का मन कर रहा है। मेरे को मन नहीं कर रहा है कि ऐसे भगोने में डाल करके चावल और दूध घोटते रहे, एकदम भी मन नहीं कर रहा है वैसा मेरे को। और मैं कितनी सोई लग रही हूँ ना आज। चलो कोई नहीं, चलो फिर हम ना थोड़ा शॉर्टकट खीर बना लेते हैं। उसके लिए तो हम सोच रहे कुकर में ही खीर बना ले। ये वीडियो मेरी दोनों माँ देखेगी तो बहुत गुस्सा करेगी, मम्मी लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है कुकर में खीर बनाना, स्पेशली मेरी मम्मी को, ये वाली मम्मी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कुकर में कभी खीर बने। ऐसा होता है ना, बिल्कुल मन नहीं करता है खाना बनाने का, मेरे साथ हमेशा होता है। और जब भी मैं वो सब यूट्यूबर्स को देखती हूँ ना, माँ यूट्यूबर्स को एकदम फटफट ऐसे राजभोग बना करके 36 आइटम 25 आइटम रख रही है, ये कहाँ से आते हैं आप लोग भाई। तो मैंने ये थोड़ा सा एकदम जरा सा चावल भिगो के रख लिया था क्योंकि मुझे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मैं बस वंशु के लिए ही बना रही हूँ। तो हम डाल देंगे इसमें चावल और डाल देंगे थोड़ा सा कुकर में दूध, लेट्स सी कैसा बनता है। मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया ये खीर को क्योंकि हमेशा ऐसे भगोने में ही घोट घोट के बनाया है हमने। तो बस ये चावल डाल दिया, इसमें दूध डाल देते हैं। इसमें देखो दूध डाल दिया है मैंने, दिखा। हम जा रहे हैं इसको पकाने के लिए। मम्मी प्लीज गुस्सा नहीं होइए जाना। तो आ गई है टेस्टिंग की बारी। पता नहीं वैसा टेस्ट आएगा भी कि नहीं आएगा। जो वो खीर बनता है ना उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग ही होता है, मतलब जो उसका मजा है ना वो तो जरा सा भी नहीं आ रहा है। बट स्टिल काम चलाऊ खा सकते हैं वैसा। मैं हमेशा आपके सामने ऐसे उठ करके आ जाती हूँ ऐसे एकदम नो मेकअप काली माई बन करके। अगर आप लोगों को सच में अगर अच्छा नहीं लगता है ना मेरा लुक तो मेरे को बताना, मैं क्या करूंगी, मैं कभी भी चेंज नहीं करूंगी। मैं ऐसी ही हूं, मैं काली हूं और मुझे इस चीज का बहुत गुमान भी है और मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है इस कलर से। तो फाइनली आ जाते हैं मुद्दे पर, जिसके कारण से 15 दिनों से मेरा माथा फिरा हुआ है, हिला हुआ है, जो भी बोल लीजिए। वो क्या हुआ है ना कि वंशु बोली थी मेरे को आज से करीब 16-17 दिन पहले, वंशु बोली कि मम्मा चाची से बात करना है। हमने चाची तो बेटा ऑफिस में होगी, वर्क कर रही होगी तो बात नहीं कर पाएगी। फिर वंशु ने बोला बुआ से बात करनी है, तो हमने बेटा बुआ भी तो अभी ऑफिस कर रही होंगी, वर्क कर रही होंगी तो नहीं बात कर पाएंगी। फिर वो चाचा का नाम ली, चाचा भी ऑफिस कर रहे थे, पापा भी इसके बाहर गए हुए थे काम से। तो देन वो सडनली बोली मेरे को और मैं पूरा शॉक्ड कि मम्मा आप क्यों नहीं काम करते हो, मम्मा आप जॉब क्यों नहीं करते हो, मम्मा आप ऑफिस क्यों नहीं जाते हो। और वो चीज मेरे दिमाग में इतना जोर से ढम करने लगा कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं सच में, आप लोग बोलोगे बहुत छोटी सी चीज है, कोई मतलब नहीं है, मायने नहीं है इस चीज का, बच्चा बोल दिया, लेकिन नहीं, बच्चा वो चीज बोला और वो मेरे दिमाग में आके लग गया। और वो ऐसा लगा कि मैं पिछले 15-16 दिन से ना सच में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि
ओके, अब कुछ करना है, क्योंकि क्या है ना, इंसान सबके नजर में जैसा भी हो, एक्चुअली मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इंसान सबके नजर में कैसा भी हो, बट उसको अपने बच्चे के नजर में ना सच में बहुत ऊपर दिखना चाहिए। मतलब उसका अगर बच्चा किसी भी मामले में उसका रिस्पेक्ट कर रहा है, चाहे वो कोई भी सेंस होकर के ले ले, बट बच्चे के नजर में ना वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो कि उसमें को लगा कि आगे जाकर के तो ये तो और बड़ी होने वाली है और सवाल पूछने वाली है, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी। मेरे को वही लगा, मतलब क्या ही बोलूं मैं उसको, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मतलब हमेशा ऐसा होता है कि मैं तो कुछ भी क्वेश्चन पूछती है ना, तो उसको मैं एक भी क्वेश्चन खाली नहीं जाने देती हूँ। मेरा रहता है कि वंशु अगर कुछ भी पूछ रही है तो सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर देना है मेरे को, चाहे वो कैसा भी लुल टाइप का क्वेश्चन हो, मैं जवाब देती हूँ। बट इसका जवाब मैं, मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था कि मम्मा ऑफिस क्यों नहीं जाती है, मम्मा क्यों नहीं करती है कुछ। बाकी इसके पापा उसके बाद आए और कवर अप करने के लिए उसको समझा दिया, नहीं मम्मा वीडियोस बनाती है, मम्मा यूट्यूब में है, वीडियोस बनाती है, लेकिन तो भी बच्चे को नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया। तो मेरे को फील हुआ कि सच में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मतलब यूट्यूब ना मेरा पैशन बन गया, मेरे को यूट्यूब में वीडियोज बनाना बहुत पसंद है, बट हाँ इससे अर्निंग बिल्कुल भी नहीं आ रही है। जब पैसे नहीं आते हैं ना, तो मैं क्या बोलूं, आपके लिए चाहे कितना भी हो, जैसे मेरे को बहुत प्यार है अपने वीडियोस बनाने से, व्लॉग बनाने से, लेकिन पैसे नहीं आ रहे हैं तो सामने वाले को लगेगा ही ना क्या बना रही है ये, मतलब क्यों नहीं आ रहे हैं पैसे, वैसा लगेगा ही ना। तो मैं अगर मैं यूट्यूब का अगर एज अ करियर देख रही हूँ और उसमें पैसे नहीं आ रहे हैं, अभी इतने 2 साल से अधिक हो गए कंटिन्यू, तो अब जाकर के मुझे ये फील हुआ है। एक्चुअली मैंने पता नहीं इस बारे में कभी क्यों नहीं सोचा, मैं एकदम इसी में घुसे रह गई कि नहीं मुझे इस पे टाइम देना है, इस पे ही बनाना है। पता नहीं मैंने क्यों नहीं सोचा इस बारे में, इस पॉइंट से क्यों नहीं सोचा कि भाई हो गए हैं 2.5 साल हो गए हैं वीडियोस बनाते बनाते, अब वीडियोस के साथ कुछ और भी सोचना पड़ेगा, मेरे को वो लगा। तो मतलब मैं सोच रही थी तो एक दो पहचान वाले रिलेटिव्स हैं मेरे, मतलब लड़कियां ही हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगी, तो उनको मैंने बोला कि यार कुछ बताना कि मैं क्या करूं, मतलब बीइंग एन इंजीनियर कोई सर्टिफिकेट्स तो है नहीं मेरे पास, मतलब इंजीनियर का सर्टिफिकेट है उसके अलावा कोई सर्टिफिकेशन नहीं है मेरे पास, मतलब कुछ कोर्स अलग से नहीं किया मैंने, उतना नॉलेज नहीं था मेरे पास, पता नहीं कुछ ज्यादा ही बुद्धू थे हम, एकदम नॉलेज नहीं था मेरे को। और अभी हो गए हैं बहुत साल, तो मैंने उससे पूछा कुछ बताना, तो बोलते तेरे पति तो इतना पैसा कमाते हैं तो तुमको क्या जरूरत है कमाने का। तो मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से इतना उमड़ करके एक क्वेश्चन आया, लेकिन मैं उसको बोल नहीं पाई कि तुम्हारे पति क्या है, मतलब कहीं बैठते हैं क्या जाकर के वो दे करके, तो तुम जॉब कर रही हो, मतलब क्या सेंस बनता है इस आंसर का, मेरे को समझ में ही नहीं आया। फिर खैर छोड़ो, अलग अलग लोग अलग अलग सोच, मैंने ट्राई किया 3-4 जगह, बात की, लेकिन सबका ही ऐसा अनोखा सा रिस्पॉन्स आने लगा ना, तो मैंने सोचा कि ठीक है अब खुद से ही कुछ करना पड़ेगा। तो ये 15 दिन जो बीते हैं ना, मेरे दिमाग में उथल पुथल चल रहा था, बट अब सेटल डाउन धीरे धीरे हो रहा है, अब समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है। अब धीरे धीरे मैंने सोचा है कि रेज्यूम अपडेट करूंगी, हर जगह पोर्टल में डालूंगी, कोई सर्टिफिकेशन करने का सोच रही हूँ कि कोई साथ साथ अगर कोई पार्ट टाइम जॉब मिल जाए उसके साथ सर्टिफिकेशन भी कर लूंगी, कि अगर हाथ में कोई कोर्स रहेगा तो फ्रीलांसिंग भी मैं कुछ कर सकती हूँ ना जॉब में। तो अब लग रहा है भाई कैसे भी करके ना मुझे कुछ तो सोर्स ऑफ इनकम अपना लाना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है बउआ पूछी वो तो खैर अब तो मेरे लिए सेकेंड हो गया है, लेकिन अब मेरे को खुद के लिए सोर्स ऑफ इनकम ढूंढना पड़ेगा। कभी भी किसी चीज की कमी नहीं हुई है मेरे को, ना मायके में कमी हुई, ना यहाँ पे कमी हुई, मुंह से कुछ निकलता नहीं है ये ला के रख देते हैं, बट नहीं अब वो पॉइंट आ गया है कि मुझे खुद के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं है वीडियोस बनाना बंद कर दूंगी, वीडियोस तो मैं तो मेरी जान बचती है, मैं उसको नहीं छोड़ सकती, मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, क्योंकि जब मेरे पास कुछ भी नहीं था ना तो तब मेरे को आप मिले थे। जब मैं बिल्कुल अकेली थी ना उस समय आप मिले थे, और आपके साथ बात करते करते 2.5 साल कैसे निकल गया मुझे मालूम नहीं चला,
भले आप वर्चुअल फ्रेंड हो बट आई लव यू लव यू लव यू सो मच. पता नहीं आप लोग देखते भी हो कि नहीं देखते हो बट स्टिल आई लव यू सो मच. एंड या आई एम नॉट गोइंग टू डिसकंटिन्यू द वीडियोस. वीडियोस पूरे आते रहेंगे और वीडियोस भी आएंगे और साथ में जॉब सर्चिंग हंट वंट सब स्टार्ट होने वाला है. मतलब अब आगे के व्लॉग्स में व्लॉग तो दिखेगा ही, चैलेंजेस भी दिखेंगे, 24 आवर चैलेंज भी दिखेंगे क्योंकि मेरे को वो फूड वूड चैलेंज करने में बहुत मजा आ रहा है क्योंकि मुझे खाना बहुत पसंद है ना, इसीलिए तो सब कुछ दिखेगा. और साथ में मेरा स्ट्रगल भी अब साथ में चलने वाला है आपके यार. आप देखेंगे कैसा चल रहा है मेरा स्ट्रगल वाला, रियल स्ट्रगल वाला लाइफ की मैं माँ के साथ साथ, माँ बहू बीवी के साथ साथ अब एक कुछ जॉब वॉब कैसे करूं, मतलब हंटिंग जॉब हंटिंग जॉब लगी नहीं है, जॉब हंटिंग कैसे करूंगी वो सब देखने को मिलेगा आपको. बकायदा ये खीर कम, मतलब ये खीर तो नहीं है, दूध चावल मिक्स गुड़ के साथ जो भी बना है अच्छा लगा खाने में. बट वो मैकरोनी ज्यादा अच्छी लगी है. पता नहीं मैंने क्या किया है आज ब्लॉग में, मुझे खुद ही समझ में नहीं आया. ऐसा लगा कि आप लोगों से बात कर लेना चाहिए. क्या है कि मेरे अंदर का निकल जाएगा, मैं कहीं निकाल नहीं पाती हूँ तो आपके सामने निकल जाएगा तो थोड़े से हल्के हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे. इतना परेशान कर ली अपने आप को, 15 दिन और परेशान नहीं करना है, ठीक है. तो चलो फिर मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में. अगर ये ब्लॉग अच्छा नहीं लगा हो तो प्लीज मेरे को माफ कर दीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो रेड वाला हार्ट दे दीजिएगा. मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत 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 ख्याल रखना. डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब. ये काली माँ को तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा. सब्सक्राइब सब्सक्राइब.